ओके ओके नाउ 6.5 थ्योरम हो गई ना यस लेट अस सी एग्जांपल 4 आइए प्लीज दरवाजा बंद कर दिया ठीक से चिपका देना उसको नाउ एग्जांपल 4 So, example 4, if PQ is parallel to RS, prove that triangle POQ is similar to triangle SQRA. Example 4. If PQ is parallel to RS, so given में क्या है? PQ is parallel to RS. तो prove that तो हम इसमें बना लें ऐसा हो गया. PQ is parallel to RS. क्या लिख लीजिए PQ R S. तो हमें क्या प्रूफ करना है? To prove triangle P O Q is similar to triangle S O R. Proof. अच्छा, अब ये बताओ. ये एंगल क्या इसके इक्वल होगा अल्टरनेटिव क्लियर एंगल यस सो दिस इज ओके बिकॉज क्योंकि इसके पैरेलल है तो जेड बन रहा है सो इन ट्रायंगल अब जब हमें ऐसे लेना है तो कौन कौन से लेना पड़ेगा जैसे मैं क्यू पी ओ ले लूं या पी से लेना चाहता हूं तो पी पी ओ क्यू ले रहा हूं तो यहां क्या लूं सर एस बिल्कुल इसी तरीके से लो POQ तो क्योंकि उस एंगल से शुरू किया yes. तो POQ और वहां पर क्या लेंगे SOR POQ एंड ट्रायंगल SOR इन दोनों को ले लीजिए नाउ एंगल पी किसके इक्वल है एस बिकॉज इट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंगल्स और ये बताओ एंगल पीओक्यू किसके इक्वल है सर एंगल एसओआर एसओआर व्हाई इट इज सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंगल्स और यहाँ पर बताइए ये जो क्यू है क्या ये भी किसी के इक्वल है दो एंगल होंगे ना दो एंगल तो मैं डबल ए सिमिलरिटी लगा तो बुक भी डबल ए पे ही चलती है ट्रिपल ए लगा बुक ट्रिपल ए लगा है हम भी ट्रिपल ए लगा देंगे चलो क्यू किसके इक्वल है आर आर दैट इज अगेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो ट्रिपल ए सिमिलरिटी ये इसके इक्वल हो गया ये इसके इक्वल हो गया और ये इसके इक्वल हो गया सो बाई एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल POQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल SOR एग्जांपल 5 एग्जांपल 5 सेज दैट देयर आर टू फिगर्स दो फिगर दिए गए हैं अब देखो एक में ए बी सी है ए बी सी और दूसरा क्या है आर पी क्यू आर पी क्यू सो दिस इज 3.8 सेंटीमीटर दिस इज 3√3 सेंटीमीटर दिस इज 6 सेंटीमीटर दिस इज 6√3 सेंटीमीटर
7.6 सेंटीमीटर तो नहीं दिया है, यूनिट डी होगी, चलो 12 सेंटीमीटर ऐसा है। ओके सर, डिग्री भी दी है क्या? डिग्री डिग्री भी आई है, 60 डिग्री है। तो ये देखो इसका डबल कहाँ है, इसका डबल यहाँ है। तो यहाँ अगर ऐसे चलना तो वहाँ ऐसे चलना, देखो जैसा जो होगा, क्योंकि यहाँ इसका डबल ही है और उसका डबल ही है, तो उसी तरीके से भी चलोगे ना, क्योंकि चीजें करस्पॉन्डिंग होती हैं। तो अगर हम देखें तो इन ट्रायंगल, ट्रायंगल एबी 80 डिग्री है, वो भी हम ले लेंगे। तो इसमें 80 डिग्री ए भी दिया है, तो जरा देखिए अब पूछता क्या है, फाइंड एंगल पी, इसके बारे में पूछ रहा है। सो देख लीजिए, इसमें ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ये प्रूव कर देंगे सिमिलर है, तो फिर इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, तीनों साइड तो वही है। तो अब देखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या लिया जाएगा, ऐसे ले लो बी ए सी ट्रायंगल, और कौन सा ले बताइए, बी आर इन ट्रायंगल बी ए सी एंड क्यू आर, क्यू आर क्यू, ऐसे चलो बोलो। देखो यहाँ 3.8 फिर ये, तो इसका डबल वाले की तरफ पहले लोगे कि नहीं, सो ट्रायंगल क्यू आर पी, ठीक है। तो ये मुझे बताइए कि बी ए अपॉन क्यू आर कितना है, क्या ये 1/2 है? इसी तरीके से ए सी अपॉन आर पी क्या है, 3√3 अपॉन 6√3 दैट इज 1/2, और बी सी अपॉन पी क्यू क्या है, अच्छा बी सी लो तो क्यू पी लो, क्यू पी ना बी सी तो क्यू पी, बी सी तो क्यू पी, उसी ऑर्डर में लो जैसा वहां लिखा है। सो 6/12 ये भी 1/2 है, सो फ्रॉम अबव क्या हो गया, बी ए बाई क्यू आर इट इज ए सी बाई आर पी इट इज बी सी बाई क्यू पी, सो बाई ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल बी ए सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू आर पी, सो दिस इंप्लाइज यहां पर जो एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा, बी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी। लेकिन क्या आप ऐसा तो नहीं मान रहे हैं कि एंगल सी 180 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी है? यस सर, भाई तीनों का सम होता है, तो एंगल सी की जगह क्या लिख लो, बोलो यही बात है कि नहीं, तो 180 में से इन दोनों को माइनस कर दो, ए कितना था 80 डिग्री और ये 60 डिग्री था, तो एंगल पी आ जाएगा 180 में से आप 140 डिग्री माइनस कर दीजिए तो एंगल पी आ जाएगा, तो 40 डिग्री इज इक्वल टू एंगल पी, ये सॉल्यूशन है। सीजन बात क्लियर है, समझ में आ गई, बोलो ठीक है ना। अब देखिए तो हमने ट्रिपल एस के क्राइटेरिया से ये बात कर ली है, नेक्स्ट इज सर, सर वहाँ ट्रायंगल बी एस सी सिमिलर टू क्यू आर पी से ज्यादा है, अच्छा इतनी बात आ गई, तो ये क्या हुआ, देयर इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, जैसे सी पी सी टी होता है ना, वैसे क्या बनता है सी पी एस टी भी बनता है, लेकिन सी पी एस टी लिखा नहीं जाता है, लिखा क्या जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो फिर क्या इनके जो सारे एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये 60 है तो क्या ये 60 हो जाएगा, बी क्यू को करस्पॉन्ड कर रहा है, जरा देखो तो क्या ये भी 60 हो जाएगा, यस सर, अच्छा ये 80 है तो ए किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, आर आर को, तो ये भी 80 हो जाएगा, तो ये 60 है ये 80 है, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, क्या 40 yes, तो वो हो गया ठीक है। चाहे वैसे कर लो, चाहे सी की जगह वैल्यू डाल के तब कर लो सर, नहीं वो इसमें आपने वो डायग्राम अलग रखा था ना सर, उसका तो वो भी हिसाब से। अब जरा देखें,
रात हो गई। Now let us see. एग्जाम्पल सिक्स एग्जाम्पल देखो। इट सेज दैट ए बी डॉट ओ बी, हमारे पास एक फिगर भी दिया है, फिगर जब दे रहा है तो फिगर बना लें। सिमिलरिटी ले लें तो बात बन जाएगी। हम या जो भी और कुछ हो इससे रेशो ले लें, प्रोपोर्शनलिटी। सो ऐसे एस ले लें। तो अब जरा चेक करो कि ऐसा करें प्रूफ में, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ ए से चलोगे तो वहाँ कहाँ से चलना पड़ेगा, प्रूफ के हिसाब से सी से चलना पड़ेगा। अगर सी से नहीं चलोगे तो प्रूफ कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है ना। तो डिजायर तो यही है कि वहाँ ए से चलो तो यहाँ सी से चलो, तो वहाँ ए और डी चलना तो यहाँ कैसे चलोगे, चलोगे कि नहीं। सो इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ बी, तो अब यहाँ पर देखो ये हमें देना, ये चीज हमें देनी होगी यार। लेकिन अभी इसे इक्वेशन वन डालो, तो फ्रॉम इक्वेशन वन इसको भी मैं लूंगा, लेकिन अभी ऐसे ले लो। तो ए ओ डॉट ओ बी किसके इक्वल दिया बताओ, ओ डी। तो यहाँ अगर ए ओ लेना चाहते हो तो नीचे क्या चाहिए आपको, सी ओ चाहिए कि डी ओ, सी ओ चाहिए। तो जब यहाँ की चीज ऊपर होती है तो दूसरी तरफ क्या आ जाती है, तो ओ सी, और वहां पर ओ डी अब लिख लो तो ओ डी है, तो क्या होगा ओ बी। बात सही है, ओ सी और सी ओ से ज्यादा फर्क नहीं है, सी ओ कर लो क्योंकि बुक में ऐसा लिखा है, कोई बात नहीं ऐसा कर दिया। तो अब ये चीज हो गई, और साथ ही साथ ये अब इसके नीचे ले आओ, ये चीज यहाँ लिखो, ये तो बात हो गई ना, यही यहाँ भी लिख सकते हो क्योंकि यही ऐसे ऐसे हो जाएगा। सो इन ट्रायंगल एओडी एंड ट्रायंगल सीओडी,
क्या हमने दो साइड्स प्रोपोर्शनल कर दी हैं? डीओबी बोलो डीओबी सीओबी क्या हमने दो साइड्स प्रोपोर्शनल कर दी हैं और क्या एक वर्टिकली अपोजिट एंगल भी हमने इक्वल कर दिया है? तो जरा देखो एंगल ए और डी किसके इक्वल है? Because it is vertically opposite angles. So, हमारे पास क्या क्राइटेरिया बन रहा है? That is S A S S A S. है कि नहीं? ऐसे साइड दिस दिस S A और S है बना? So by S A S similarity criteria. सर बोलिए सर मोबाइल ऑन कर दिए सर ये लिख रहा था बात हो गई। अब देखो इतनी बात हो गई सिमिलरिटी क्राइटेरिया से एंगल तो क्या हो गया बताओ ट्रायंगल ए ओ डी सी ओ डी अच्छा ना तो फिर इससे क्या हुआ जब ये चीज हो गई तो क्या करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल सो एंगल ए किसके इक्वल हो गया सर एंगल सी एंगल डी एंगल बी दैट इज करेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स हेंस प्रूव ये तो प्रूव करना था इतनी बात हो गई अब देखिए एग्जाम्पल नंबर सेवन एग्जाम्पल सेवन में क्या कहा गया है अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए लैंप पोस्ट एक लैंप पोस्ट से एक लड़की दूर जा रही है तो लैंप पोस्ट से जो लाइट निकलेगी उससे उसकी शेडो बनेगी Now this girl is moving away from lamp post. Now in this way. So girl is moving. Okay. So she is moving away from lamp post. अब ये जरा देखो कि इसकी क्या यहाँ शेडो बनेगी? Yes, yes. क्योंकि लैंप पोस्ट से जो लाइट आएगी वो यहाँ पड़ेगी और उससे इसकी शेडो बनेगी तो ये शेडो यहाँ तक बनेगी यहाँ तक लैंप पोस्ट क्योंकि यहाँ तक लैंप की लाइट नहीं पहुँच पाएगी और बाकी यहाँ यहाँ पड़ेगी ये इतनी जगह नहीं पड़ पाएगी और फिर से आगे पड़ेगी फिर तो आगे पड़ेगी तो ये चीज़ होगी अच्छा क्या ये एंगल दो अलग अलग ट्रायंगल हो एक ए बी सी डी ई देखो A, B, C, D, तो दो ट्रायंगल हैं अगर मैं कहूं एक एंगल 90 है ये 90 है yes, sir. तो ए बी ई इन ट्रायंगल ए बी ई और दूसरा कौन सा लोगे या सी डी ई ये बताओ कि इसमें क्या ए बी ई एंगल सी डी के इक्वल हो जाएगा CDE के हो जाएगा क्या ईच 90 यस सर अच्छा एक और बताओ क्या एंगल ई दोनों का कॉमन है यस सर बस दो की बात कर लो सो बाय डबल ए सिमिलरिटी क्या हो जाएगा बाय डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया
ट्रायंगल ए बी सी डी ई, ये बात सही है? यस सर। सो दीज आर सिमिलर। अब एक बात बताओ, दिस गर्ल इज मूविंग विथ व्हाट स्पीड? 1.2 मीटर पर सेकंड से चलती है, और लैंप पोस्ट की भी डायमेंशन दी गई है, लैंप पोस्ट इज 3.6 मीटर अवे, एक मंजिल के बराबर है, 3.6 के करीब है, थोड़ा सा और ले ले, 3 मीटर तो ये, सो इट इज 3.6 मीटर, ठीक है। अब देखो, और गर्ल 90 सेंटीमीटर के, तो क्या 0.9 मीटर ले लिया जाए? यस सर। और ये यहीं से चल रही थी और 1.2 की स्पीड से चल रही थी, बताओ कितनी देर चली है? 4 सेकंड में। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय गर्ल, डिस्टेंस क्या होता है? क्या वेलोसिटी इनटू टाइम? देखो v इज इक्वल टू d बाय t। अब गर्ल की स्पीड कितनी? क्या 1.2 मीटर पर सेकंड? और 4 सेकंड तक चलती रही तो कहां तक पहुंच गई? 4.8 मीटर सेकंड से सेकंड कटा, अब 4.8 मीटर, तो ये डिस्टेंस कितनी हुई? 4.8 मीटर वो यहाँ तक चल रही, यहीं से चली थी, yes, और यहाँ से चल के यहाँ पहुँच गई, सो 4.8 मीटर वो चल रही है। अब देखो ये डिस्टेंस जो उसकी शेडो है उसे मैं x ले लूँ, इज इट ओके? तो अब हमारे पास अगर ये सिमिलर हो गए हैं तो क्या ये मानते हो कि AB by CD is equals to BE by DE? Yes sir, yes sir। चेक कर लो, AB by CD तो B by DE, बोलो सही है? Yes sir। तो AB कितना है और CD कितना है, और ये क्यों ऐसा है? Are corresponding sides of similar triangles proportional? Yes sir। So corresponding sides of similar triangles are proportional। तो जरा देखिए, AB की वैल्यू मैं 3.6 लिखूं और इसकी 0.9 लिख लूं तो BE क्या लिखूं? 4.8। चाबी बोल के रखो। हाँ बोलो। 4.8 प्लस F6। चाबी का गुच्छा छल्ला अंदर है। और इतनी बात समझ आ गई? तो यहाँ से कितना आएगा? 4 आ गया कि नहीं? डेसिमल डेसिमल कर गए। अब 4 में x का मल्टीप्लाई करो, 4.8 प्लस x, x को उधर ले जाओ, तो इट इज 4.8, तो 3x किसके इक्वल हो गया? 4.8, तो x किसके इक्वल हो गया? 1.6 मीटर। सो दैट इज द शेडो विच इज कास्टेड, जो शेडो वहां बनी है उसका कितना है? ठीक है, द शेडो इज लेंथ ऑफ शेडो इज 1.6। क्या ट्रायंगल आप ये तो नहीं समझ रहे हो कि जितनी दूर जाएगी उतनी दूर जाने पर उसकी शेडो लंबी होती चली जाएगी? ऐसा होगा ही। नेक्स्ट इज नहीं आएगा तब तक हम टेस्ट करते दे रहे हैं बाकी लोगों को। चलिए, किसी क्वेश्चन में आपको डबल मार्क्स तो नहीं मिलेगा ना?
एक्चुअली आपने जो पीडीएफ भेजा था उसमें अरेंजमेंट मिस अरेंजमेंट था, एक चल एक पेज दूसरे पेज के बाद है ना। उसके मार्क्स के अब देखिए एग्जांपल एट देखो, तो दो ट्रायंगल्स हैं और उनके मीडियन दिए हुए हैं। हमको ये बताना है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो क्या अगर मैं मीडियन ड्रॉ कर दूं तो जो दो नए ट्रायंगल बनेंगे वो भी सिमिलर होंगे, या एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दूं तो भी सिमिलर होंगे। भाई आपकी और आपकी फोटो सिमिलर है, मैं आपके चेहरे पर प्राइम पूछूं वैसे फोटो पे, तो क्या वो रेशो सेम नहीं होंगे? या बड़ा ताजमहल है या उसकी रेप्लिका है, उसमें जो जो दूरी होगी क्या वहाँ पर उसके मेहराब के बीच की या बुर्ज के बीच की दूरी क्या वही नहीं होगी? वही गुंबज के बीच की भी वही, जहाँ जहाँ जो जो लोग सेम हो। तो आप चाहे मीडियन लें, उनका परपेंडिकुलर लें, दैट इज एल्टीट्यूड लें, वो सब सिमिलर होगा, होगा कि नहीं होगा? यस। अब जरा चेक करो, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन यहाँ दिया गया है कि सी एम एंड आर एन आर रिस्पेक्टिवली द मीडियंस। हाँ, ये जरा एक लेटा पड़ा हुआ ट्रायंगल है और एक कैसा है, एक उल्टा पड़ा हुआ है, दोनों ठीक ठाक से नहीं। अब ये देखो, ये हमारे पास सी एम इसका मीडियन है और दिस इज ए बी, दिस इज आर एन इसका मीडियन है, उसको ले लो आर एन, एंड क्यू पी। ओके, गिवन क्या, गिवन में है कि ए बी सी दो ट्रायंगल है और ये भी दिया ए बी सी किसके सिमिलर है, ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो जब यहाँ ए से लेना तो वहां पी से लेना, बिल्कुल अलग अलग है, मतलब ए से दिया गया है तो ए बी सी आर से मीडियन बनाइए ना। यस सर, इसमें आर से बताइए, इसमें सी से है, सही बात की नहीं? यस सर। अच्छा, सी एम इज क्या है, मीडियन ऑफ ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी एन, आर एन इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। कितनी बार दी गई और पूछा क्या जा रहा है, फर्स्ट देखिए टू प्रूव, एक एक करके करेंगे, ट्रायंगल ए एम सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी एन आर, प्रूफ देखिए। अच्छा, क्या ये बात आपको मालूम है कि ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर? यस सर, ए बी सी सिमिलर है। अच्छा, तो ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, अब जो जो हमें प्रूफ करना है उसे लो, ए एम सी का ये है और पी एन आर का ये है। यस। अच्छा, तो ये बताओ, ए ये तो हमको गिवन है, ये गिवन है, सो इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल पी एन आर, इसी समय तो लेना है। जरा आप देखो, क्या यहाँ से देखिए, क्या एंगल ए एंगल पी के इक्वल पाया जाएगा? क्यों एंगल ए एंगल पी के इक्वल है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अबव सिमिलर ट्रायंगल। इतनी बात हो गई, देख लो ए को किसके इक्वल पाया गया, पी के इक्वल। अच्छा, क्या यहाँ पर जो एक एंगल तो हमने इक्वल पा लिया है, ठीक है, और ये बताओ कि क्या ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू क्या ए सी
एसी बाई पी आर पाया जाएगा। अच्छा करो, ए बी बाई पी क्यू क्या एसी बाई पी आर है? यस बोलो। यस सर। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो जैसे मान लीजिए ये हमारे पास है मीडियन मिड पॉइंट से मिलती है, बस इतनी सी बात है। ये जैसे मीडियन है ना, तो ये चीज मिड पॉइंट से मिलती है। अब एक चीज आपकी एक की बात आपकी बात पूरी कर दे फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या मीडियन ट्रायंगल को तो इक्वल एरिया डिवाइड करती है? नहीं, बेस को इक्वल करती, क्या एरिया भी इक्वल रहता है? ये सृजन का प्रश्न है आपसे पूछा जा रहा है। नहीं एंगल को तो नहीं करती है, एंगल तो दिख रहा है नहीं करती है। अब एरिया को करेगी कि नहीं? नहीं। अच्छा अस्मित कह रहे हैं हाँ करेगी। अब अस्मित हाँ क्यों कह रहे हैं उसका जवाब हमारे पास है। अस्मित ने यही तो कहा ही करेगी। यस सर। इनका कहने का मतलब है अगर इस ट्रायंगल की बात की जाए तो क्या ये बेस हुआ? यस सर। और क्या ये हाइट हुई? यस सर। तो क्या इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हुई? और क्या इसका एरिया भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हुई जिसकी हाइट बाहर है? अब देख लो इस ट्रायंगल का एरिया, हाइट बाहर होने से कुछ फर्क पड़ जाता है क्या? नो सर। तो बताओ किसका एरिया ज्यादा है या दोनों का एरिया इक्वल है? बोलो इक्वल है कि नहीं? तो क्या ये बात सही आपने कही कि मीडियन डिवाइड्स ट्रायंगल इनटू टू इक्वल एरिया? है बात कि नहीं? सो मीडियन बोलो समझ आई बात कि नहीं? इसका देखोगे तो बी इंटू एच, इसका देखोगे तो भी बी इंटू एच बाहर चली गई। सो मीडियन इतनी बात समझ में आई सृजन? बोलो डिवाइड्स ट्रायंगल इंटू टू इक्वल एरिया। अच्छा अब एक और बात देखो, अब हम आपकी बात करते हैं। आपने कहा मेरे पास ये ट्रायंगल है, ये दिख रहा है, अब इसका ये मिड पॉइंट है। और मैं बहुत प्रिसाइज होने के लिए चाहे तो मैं ऐसे भी मिला सकता हूँ, मिला दिया। वैसे जो भी मीडियन होगी यहाँ पर भी देखने में लग रहा है कि ये वाला एंगल ज्यादा बड़ा है, मिड पॉइंट पे मिला ये बड़ा है, छोटा है कि नहीं? yes. यहाँ से भी पता चल रहा है तो इक्वल एंगल तो नहीं होता। इट इज नॉट द केस ऑफ इक्वल एंगल। ये एंगल बड़ा है, बीच में है बिल्कुल, आप देख लो, बल्कि उधर हमने बड़ा रखा तब भी एंगल इसी का बड़ा आ रहा है। और अगर आप उसमें एक मीडियम ड्रॉ कर लें तो क्या इनमें एंगल सेम लग रहा है? देखो साइड नीचे की सेम है, मेजर कर लोगे बल्कि यही बड़ी निकलेगी, तब भी एंगल छोटा। हाँ बेस तो सेम होगा ही, क्योंकि यही तो बेस तो सेम होगा तभी तो मीडियम है, है ना? yes, माध्यिका उसको अर्ध जो बीच बीच में मध्य बिंदु पे मिला, वर्टेक्स से किसी पे डाल दिया जाए तो बेस तो सेम होगा ही। वो तो अंडरस्टूड है, मीडियन का मतलब ही क्या है, मिड पॉइंट से मिला तो मीडियन है, बेस सेम होगा बाकी हाइट के लिए। बोलो सही है। yes, अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाएं, ए पी के इक्वल है क्या? ये रेशो सही है? yes, sir, सही। कहीं आप ऐसा तो नहीं समझ रहे हैं प्रांजल की तरह की ए पी इज इक्वल टू टू ए एम? भाई ए बी क्या है, क्या ये 2 एम नहीं है? yes, sir. और इसी तरीके से पी क्यू क्या है? 2 AM। इसको लिखिए 2 AM अपॉन 2 PM इज इक्वल्स टू AC बाई PR। तो ये क्या है, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। और यहां क्या लिखोगे, PCM एंड आर एन आर मीडियन। कितनी बात समझ आ गई? अच्छा अब टू से टू को कट कर दिया जाए तो ये बताइए कि क्या दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस आ गया? ए एम बाई पी एम। और क्या उनका जो इंक्लूडेड एंगल है वो इक्वल आ गया क्या? एंगल है उतना लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसी से ही बात बन गई। दो साइड प्रोपोर्शनल, दिस बाय दिस इज दिस बाय दिस, और इंक्लूडेड एंगल इक्वल, तो भाई ऐसे सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या हो जाएगा? एंगल एएमसी
इसके सिमिलर हो जाएगा PNR, hence proof. ये पहला पार्ट प्रूव हो गया. Is it okay? अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं. अगला पार्ट क्या है? CN by RN is AB by BQ. क्या ऐसा हो सकता है? तो सेकंड पार्ट में देखें कि CN by RN to prove CN by RN is equals to AB by PQ. So CN by RN AB by PQ. अब जरा चेक करो कि हमारे पास कई चीजें हैं. देख लो तो ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया है क्या? तो यहां पर देखो ये सिमिलर हो चुका है. तो प्रूफ देखिए, ट्रायंगल AMC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PNR. तो बताओ CM by RN किसके इक्वल होगा? सर AB by PQ. मतलब क्या ये ऐसा हो सकता है? क्या AC by PR हो सकता है? यस सर, AC by PR. और जो फर्स्ट इक्वेशन दी है जो हमको गिवन है उससे भी कुछ चीज निकल के आती क्या? एंड ट्रायंगल ABC, ये तो प्रूव्ड हो गया इन पार्ट वन है कि नहीं? यस. और ये उसका एक्सट्रैक्ट है, दैट इज करेस्पोंडिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, तभी तो हम ये कर सके हैं. दैट इज करेस्पोंडिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. अब ये देखो क्या ABC सिमिलर है पहले वाले को? देखो PQ वहां के. yes. तो कहीं आप ऐसा तो नहीं समझ रहे कि AC by PQ that is equals to AC by PR. अब पूछा क्या गया AB, तो AB by PQ हो जाएगा क्या? yes. इन दोनों से कुछ चीजें आपके मन में आ रही हैं? सर AC by PR equals to CN by RN. भाई दो चीजें जब सेम चीज के इक्वल हो जाए, ये गिवन था, इससे भी तो कुछ निकला AB by PQ और is equals to AC by PR है, निकला कि नहीं? और ये इससे ये निकला, तो दोनों में AC by PR है, तो क्या ये इसके इक्वल हुआ? टू थिंग्स आर सिमिलर टू सेम थिंग, देन दे आर इक्वल टू वन अनदर. और क्या यही प्रूफ करना था? देखो CN by RN is AB by PQ. ठीक बोलो. तो ये गिवन है, नहीं समझ आया? फिर से समझो. सो ये समझ में आया? इसका इसका CPST समझ में आया ना कि CM by RN is equals to CM by RN AC by PR. इसी का CPST ये चीज ऊपर लिखी है, गिवन है क्या? तो इस गिवन में ये बताओ क्या यहाँ पर भी कुछ बन रहा है AC by PR? AC by PR. Yes, तो लिखना है तभी हम कुछ कंपेयर कर पाएंगे. और दूसरी अपने मतलब की चीज में AB by PQ, तो यहाँ भी तो AB by PQ नहीं बन रहा. yes. तो यहाँ भी AC by PR है, यहाँ भी AC by PR है. एक सिमिलरिटी से AC by PR इसके इक्वल होता है, तो किसी दूसरे ट्रायंगल की सिमिलरिटी से ये चीज इसके इक्वल होती है. यदि इन दोनों की तुलना कर दी जाए, इफ बोथ द थिंग्स आर कंपेयर्ड, देन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बोथ विल बी इक्वल. है बात कि नहीं? हाँ. सो इक्वल तो नहीं होगा, क्योंकि ये चीज सिमिलरिटी के लिए कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं है, यहाँ इक्वलिटी नहीं आ सकती है. क्या AM by PM? PM by PM ना? PM by हाँ, तो CM हमें उठाना पड़ेगा ना, तो AB by
पीएम जो चीज वो कह रहा है वही कर दें, सीएम बाई आर एन तो हमारे पास है ना, सीएम बाई आर एन एबी तो वही चीज तो दिखा रहे हैं, अभी दिखाया कहाँ है। सो फ्रॉम अबव अब लिखने जा रहा हूँ जो आप बोल रहे हो, सीएम बाई आर एन इज इक्वल टू ए सी बाई, ये किसके इक्वल आ गया, ए बी बाई दैट इज पी क्यू, यही चीज तो पूछी गई है। एज टू बोलो सीजन, जब ये और ये इक्वल है तो ये नहीं इसके इक्वल हुआ, बताओ और कोई तरीका दूसरा मेथड बताओ तो फिर मैं करूँ इससे, आप बताओगे तो मैं करूँ। एम और एम और बी एम इक्वल होगा, देखो पूछा जाएगा तो उसको करेंगे ना, तो मीडियम सी एम और आर एन कैसे क्रिएट करते हैं। अच्छा अच्छा ए बी, देखो एक अच्छा मेथड इन्होंने बताया, अब सीजन का मेथड देखते हैं, इट इज वेरी सिंपल। हाँ जाओ देखो, अब देखिए एक सीजन का बहुत अच्छा मेथड है, दैट वी विल सी, डिफिकल्ट तो रहेगा इस फिगर के लिए। ये जो हमारा प्रूफ हुआ है, इन्होंने कहा है कि एक डायरेक्ट मेथड है, सो लेट अस डू इट विद दैट डायरेक्ट मेथड। कर सकते हैं, जरा चेक करो दूसरा मेथड सेकंड का, टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है, क्या सीएम बाई आर एन इज इक्वल्स टू एबी बाई पी क्यू। अब देखिए प्रूफ देखिए, कि पहले में हमने क्या प्रूफ किया है, ट्रायंगल AMC इसके सिमिलर है, ट्रायंगल AMC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PNR। इन्होंने कहा कि AM ले लो PN ले लो, AM by PN और इज इक्वल्स टू AB तो नहीं आ रहा है तो AM by ठीक AC आ रहा है, और दूसरा क्या लिया गया है AB by PQ और CM, CM भी आ रहा है, तो दैट इज सी एम बाई आर एन आ रहा है। ए एम का डबल करो, टू टू से मल्टीप्लाई करो तो क्या ए बी और पी एन आ जाएगा, टू टू से तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, और नहीं तो ए एम को क्या हाफ ए बी लिख दोगे और पी एन को क्या हाफ पी आर लिख दोगे, ए एम को ही लिख दिया और पी एन को क्या लिख दिया हाफ पी क्यू, और वहां पर लिख लो सी एम बाई आर एन, बोलो प्रूव हो गया बात की नहीं, इसमें कुछ नहीं करना। सो ए बी बाई पी क्यू इज सी एम बाई, अगर आपका मेथड अच्छा है। अब देखो नेक्स्ट इज ट्रायंगल सी एम बी और आर एन क्यू,
क्या इसी तरीके से हम इसको भी इसको कर सकते हैं क्या, जैसे पिछले वो किया था तो क्या इसको कर सकते हैं? ये कर सकते हैं। सो दैट इज थर्ड पार्ट टू प्रूव ट्रायंगल सी एंड बी इज आर एंड क्यू। तो इसमें क्या लेंगे देखिए, प्रूफ में हमको ये चीज दी गई है ट्रायंगल एबीसी किसके सिमिलर है, सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। तो क्या ये एंगल इसके इक्वल हुआ? एंगल पी इज इक्वल टू एंगल क्यू दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, और ये गिवन है। ठीक है, तो एक चीज गिवन है और दूसरा हमने बी को क्यू के इक्वल कर दिया है, और भी कुछ निकल के आता है क्या सीपीएसटी से? लेट अस सी, ए बी तो लेना पड़ेगा क्योंकि ए बी से ही तो बी एम निकलेगा, और क्या लेना पड़ेगा? और दूसरा क्या लेना पड़ेगा? ये एंगल दिया तो BC लेना होगा कि नहीं? BC by QR। लेकिन AB को क्या लिखा जा सकता है बोलो? AB को क्या लिख सकते हैं? 2BM लो ना, इस एंगल की बात कर रहे हो 2BM। और PQ को क्या ले सकते हैं? 2QN। और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? BC by टू को कट कर दो। ओके, टू को इसमें कट कर दीजिए और प्रूव कर दीजिए ऐसे। Thank you.
क्या होगा पता तो चल गया होगा ना कि बीसी को हम क्या करते हैं। नाउ दिस इज बी बी एम बाई क्यू एन इज इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर। इतनी बात हो गई। क्या बीच का एंगल भी इक्वल हो गया? बीच का एंगल तो इक्वल हो ही गया। बीच का एंगल हमने कर दिया ना BQ के इक्वल है और साथ में BM by QN is BC by BC by QR तो इससे भाई SAS लग जाएगा कि नहीं? भाई SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया।
क्या हो जाएगा कि ट्रायंगल सी एम बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर एम ई। इतनी बात हो गई। नेक्स्ट इज ठंड ज्यादा लगे तो बता सर। इसमें बोल रहा था State which pair of triangles in figure are similar. Write the similarity criteria using. You can answer. तो पहले में देखो कौन सा criteria लगेगा? Simply देख के बताओ। Angle, triple A or double A? तो पहले वाले question का first part है triple A similarity है। Yeah. और second में देखिए। Triple A. Second. Triple A से लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखो क्या वहाँ कुछ क्राइटेरिया बन रहा है क्या? 2.7 उससे तो कुछ बन नहीं रहा है। 2.7 इससे कुछ भी नहीं बन रहा है। तो नॉट सिमिलर थर्ड के केस में साइज ही प्रोपोर्शनल नहीं है दो भी। सो नॉट सिमिलर। फोर्थ देखिए, फोर्थ में है कुछ क्या? इसमें कुछ नहीं है सर। सर नहीं होगा सर। सर अच्छा ये बताओ कि इसमें एन एम एल किसके सिमिलर है? क्यूपीआर एस ए एस क्या एंगल इक्वल नहीं है? 70-70 तो है ना। सॉल्व तो कर रहा है। एस ए एस सिमिलैरिटी। तो देखो एन ट्रायंगल एन एम एल किसके सिमिलर है बताओ? क्यूपीआर। तो देख लोग आप चल क्यू तो बीच का लोगे ना। क्यू क्यों शुरू में ही बोलती है? आर क्यू पी सर। आर क्यू, आर क्यू क्यों ले रहे हो? क्यू पी आर होगा। पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर। जब उधर 2.5 ले रहे हो तो उधर 5 को कवर करो ना। और जब इधर 5 ले रहे हो तो उधर 10 को कवर करो। उल्टा थोड़ी ना कर दोगे, 2.5 के साथ 10 ले लोगे, ऐसा तो नहीं करोगे ना। तो इसलिए एन एम एल के लिए क्या लिखोगे? चेक कर बोलो। आपका एम एल वो किसके है? क्यू आर। तो उसी तरीके से वो जो भी लें आप इसी में घुमाते रहे। एम एन एल लेना चाहते हो तो एम एन एल ले लो, जैसे मर्जी वैसे लो, यही घुमाते रहो। अब अगला देखो नेक्स्ट में क्या पता चल रहा है? कुछ बात बनेगी क्योंकि एंगल कहीं जा रहा है, साइज कहीं जा रही है। इंक्लूडिंग एंगल थोड़ी ना है, वो एंगल छिटक गया है, 80 डिग्री और कहीं चला गया। तो इंक्लूडेड एंगल लेना होता है ऐसे इसमें, तो वो तो नहीं है। तो यहाँ पर फिफ्थ क्या है? नॉट सिमिलर। और सिक्स बताइए। अगर 70-80 है तो दूसरे में क्या होगा? 70-30, 80-30 कितना होता है? 100-70 हो जाएगा। सो दीज आर सिमिलर। अगर सिमिलर है तो ईशान आप बताइए कि कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर है, देख के बताइए। सर ट्रायंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू पी क्यू आर। ट्रायंगल डी ई एफ, एक मिनट मुझे लिख लेने दें। सिमिलर टू क्या बताया आपने? सर डी ई एफ सिमिलर टू पी क्यू आर। ऊपर चला जाएगा।
अभी अच्छा क्वेश्चन मिल जाएगा तो अभी तक कोई सही आए हैं सही आएगा तो ही लेंगे जो मैं लगता है उसी का लेते हैं ऐसे नहीं है अब देखो सर 55 हो जाएगा और DOC उसका पर्टिकुलर पोजीशन है तो 55 सेम
वो तो कर ही सकते हैं, उतना हमने किया भी है। अब देखिए ओके आगे कौन सा एंगल का गया है? डीसीओ, डीसीओ कैसे निकाल एंगल सम प्रॉपर्टीज। अब एंगल सम प्रॉपर्टीज निकाल लो, एंगल डीसीओ क्या 180 डिग्री माइनस एंगल ओडीसी और प्लस एंगल सीओडी, सो 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री और प्लस 55 डिग्री, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है इनडायरेक्टली। तो आगे देखें ईशान, 125 डिग्री सो इट इज 55 डिग्री डीसीओ। और नेक्स्ट क्या कह रहा है? ओएबी अल्टरनेट इंटीरियर, ओएबी अल्टरनेट नहीं ले सकते, वो पहले थोड़ी ना है, इसी से लेना है सोलो। सो नाउ एंगल सम प्रॉपर्टी से भी ले सकते हो, एंगल सम प्रॉपर्टी करके कुछ ना लो, ये सब फर्जी वाला है। अभी नहीं, अभी 70 नहीं लिख सकते ना, पहले थोड़ी ना दिया है। अब यहाँ से देखें ओडीसी किसके सिमिलर है, ओडीसी इज सिमिलर टू ओबीए, ओबीए। तो यहाँ से देखो, अब वो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है ए ओ ए बी, तो बताओ ओ ए बी किसके इक्वल होगा, ओ सी डी, ओ सी। तो यहाँ से ओ सी डी, तो क्या आपको ओ सी डी मालूम है? यस सर। ओ ए बी ओ सी डी ऐसा, तो ओ सी डी जहाँ पर भी मालूम हो OCD यही तो है, DCO बोलो या OCD की बात है, 55 डिग्री। तो दिस इज 55 डिग्री इज इक्वल टू OAB, ये भी आ गया। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर एंगल्स, हर चीज का जस्टिफिकेशन दें। यहाँ क्या लिखे हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी, और यहाँ तो लीनियर पेयर लिख दिया, और यहाँ लिख दीजिए corresponding angles of similar angles। इतनी बात। नेक्स्ट देखिए कि थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है डायगनल एसी एंड, ऐसा कोई फिगर नहीं दिया है, बट हमें डायगनल एसी एंड डीबी ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी ले लो, तो ट्रेपेजियम ले लीजिए ए बी सी डी, दिया नहीं है ना ग्रुप में, नो नो सर, ए बी सी डी ले लो और डायगनल एसी डीबी ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ए बी सी डी ले लो, और ए सी एंड बी डी इसके डायगनल है, बात ना करें attention to your work। So, given AB CD is trapezium and और क्या दिया है, diagonals क्या है, intersect each other at O, O पे intersect करते हैं, AC and DB इंटरसेक्ट एट ओ, और क्या दिया है, पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, एबी और डीसी, एबी इज पैरेलल टू डीसी, एबी इज पैरेलल टू डीसी, ऐसा किया यूजिंग अ सिमिलरिटी क्राइटेरिया टू प्रूव। हमें प्रूव क्या करना है, एओ या ओ ए बाई ओ सी इज इक्वल टू ओ बी बाई ओ डी। प्रूफ देखिए, सो लेट अस सी इट्स प्रूफ। अच्छा एक बात बताओ,
क्या ये दोनों पैरेलल हैं, तो क्या यहाँ इन दोनों को प्रूफ करने के लिए हमें इन दोनों को प्रूफ करना है सिमिलर, तो क्या यहाँ कुछ जेड बन रहा है? दिस इज जेड, तो ये इसके इक्वल हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया, अल्टरनेटिंग थीटा एंगल हो गया। एक एंगल और ले लो, चाहे तो सेंटर वाला ले लो सर, एंगल बी और एंगल डी ले लो, कोई भी ले लो, बी और डी ले लो, यहाँ भी जेड बन रहा है, ठीक है कि नहीं? ये एंगल इसके इक्वल ले लो। तो आप देखिए इन ट्रायंगल, अगर मैं यहाँ पर ए और बी लू तो ट्रायंगल नीचे क्या लू? बोलो COD, ये तो COD बोलना है सर, COD है, क्योंकि जब A से चलोगे सिंगल एंगल तो यहाँ भी तो इसी से चलोगे कि यहाँ डबल से चल दोगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट नहीं रहते हो तो ट्रायंगल C फिर O फिर O पे जाना, जब A O B तो COD। अच्छा इतनी बात हो गई, अब आप हमें सारी बात बताइए, ट्रायंगल बताओ ए में तो बहुत सारे एंगल है, सही सही एंगल बताओ, सिर्फ ए नहीं है, थ्री एंगल थोड़ी ना है कि ए बोल दोगे। ऐसे यहाँ बोल रहे थे, ऐसा नहीं बोल रहे थे, जब यहाँ डबल से चले हो सिंगल के तो यहाँ भी डबल से सिंगल नहीं चलना चाहिए। अगला बताओ और ये क्यों ऐसा है सर डीसीओ सर इज इक्वल टू एंगल सी डी ओ, सी से डी फिर ओ, ये क्यों है सर? ये फिर क्या करें सर, एक और एंगल ले सकते हैं, इतना ही ठीक है सर, डबल भाई डबल है सर, वो वर्टिकली एंगल भी ले सकते हैं, ले सकते हैं लेकिन डबल नहीं चला, क्योंकि वो गर्ल वाले एग्जांपल में उन्होंने दो ही एंगल में काम चला लिया है, तो हम भी क्यों नहीं चलाएं? जब एक हमें लूप बोल तो दे ही रहे ना, राइट एरियन, सो दैट इज एओबी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सीओडी। और कुछ पूछ रहा है क्या? कितनी बात हो गई, पूछा है सर अब सीपीएसटी लगाओ, सो नाउ फर्दर क्या एओ बाई सीओ, जरा चेक करो जो यहाँ दिया वही यहाँ दिया, इट इज इक्वल्स टू ओबी बाई ओडी, यही बात है, चाहे ओए लिख लो उल्टा करके ले लो, ओए बाई ओ सी, ओ से ए चलो ओ से सी चलो, बात समझ आ गई? और ये क्यों हुआ बोलो सर, सीपीएसटी करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है, ये बात हो गई, हेंस प्रो साइड होगा सर, बोलो साइड होगा ना, साइड करस्पॉन्डिंग साइड, हां ये सर सही बात, ठीक यस। आप
ये तो ठीक है यस सर लगा पाए देखो क्यू आर बाई क्यू एस और क्यू टी बाई क्यू पी लेकिन यहाँ तो पी आर है तो क्या मैं पी आर की जगह क्यू पी लिख दूं बात बन जाएगी समझ आई बात की नहीं तो अब फर्दर फर्दर क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाई क्यू पी चाहिए था आपको पर नहीं मिल रहा तो क्या करो क्यू पी की जगह आर पी लिख दूं PR ये तो गिवन है अब QR by QS is QT by QP लिख दो QP लिख दो क्यों क्योंकि QP किसके इक्वल है क्या PR के इक्वल Y proved above अच्छा अब देखो हमें चाहिए QR by QS है अगर मैं सिर्फ माइनस वन कर दूं तो ये क्यू आर में से टूट जाएगा क्यू एस बना रहेगा माइनस वन करने की देरी है हमारे पास एक सही रेशो मिल जाएगा और बीपीटी लगा सकेंगे सर आपके दुकान में ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे है क्यू मतलब क्यू एस बाई क्यू आर और क्यू पी बाई क्यू पी ऐसे सिंपली भी कर लो पलट लो वर्टेक्स ले लो सिंपली भी ले लो क्यू एस बाई क्यू आर इज इक्वल टू क्यू पी माइनस ये तो थ्योरम 6.2 है पैरेलल होती तो रेशो इक्वल बीपीटी है आपने बीपीटी में देखा होगा लास्ट में रेशो इक्वल नहीं करते कन्वर्स में पैरेलल प्रूव करते हो एक लाइन अलग से खींचते हो कि वो पैरेलल नहीं तो ये पैरेलल
तो कन्वर्स में पैरेलल तो ही पैरेलल टू करने जा रहे हैं ना। सो भाई कन्वर्स ऑफ पीपीटी क्या हुआ सर? पीएस इज पैरेलल टू पीआर। पीपीटी इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है? क्यूपीआर। सो पी की पीएस इज पैरेलल टू इसके पैरेलल हो गया पीआर। अच्छा और पूछा क्या गया है? यदि ये पैरेलल है तो अब जरा देखो नाउ क्या एंगल क्यूपीएस क्यूपीएस किसके इक्वल होगा? क्यूटीआर। क्यूटीआर व्हाई इट इज सो सर? और करेस्पोंडिंग देख लो, जब ये लाइन इसके पैरेलल हो गई तो क्या ये एंगल इसके इक्वल नहीं हुआ? बोलो ये लाइन पैरेलल है कि नहीं? यस सर। देख लो आज की बात तक करो, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, पैरेलल बना लीजिए, बिल्कुल लगनी चाहिए पैरेलल है, पैरेलल लग रही है। यस सर। अगर पैरेलल है तो बताओ ये ट्रांसवर्सल हुई? यस सर। तो क्या ये एंगल तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हुआ? दिस लाइन इज पैरेलल। ओके सो ये इसको भूल जाओ, ये हमारे मतलब की नहीं, इसका काम खत्म। ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये एंगल इसके इक्वल। और दूसरा क्या क्यू दोनों में कॉमन है? तो अगर दो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, यस अच्छा अभी सिमिलर ट्रायंगल नहीं है बस करेस्पॉन्डिंग एंगल, अभी तो सिमिलर ट्रायंगल कहीं है बस करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और ये क्या है सर? कॉमन। तो क्या लगा दिया जाए? डबल डबल बाई डबल ए सिमिलैरिटी इन ट्रायंगल। कौन कौन से ट्रायंगल सर? पी क्यू एस एंड टी क्यू। कोई भी ले लो, P से लेना चाहते Q से ले लें, क्यू पी एस एंड क्यू क्यू पी एस क्यू टी आर। तो क्या हो जाएगा? क्यू पी एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू टी आर। अच्छा यही पूछा था कि तो आप पी क्यू एस बोल रहे थे ना? यही सर। चलो ये लो, पी से लो, पी क्यू एस पी क्यू आर। बात एक ही बात है, जो कह रहा है वही उसको व्यंजन पर उसके दो, इधर उधर करोगे तो पैसा नहीं देगा। जैसा वो चाहता है वही दो। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब देखो अभी रुक जाओ, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। स्कूल में फर्स्ट तक हो गया है ना सर? सेवंथ तक है सर मेरे, हमारे स्कूल में फोर्थ तक ही हुआ। चलो कोई बात नहीं, फिफ्थ देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि एस एंड पी आर द पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। सो अब ये देखो सर, एट पी हो गया ना एस एंड पी आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी आर एंड क्यू आर। तो पी आर पहले पी क्यू आर लो तब समझ में आए। एस किसकी तरफ है बताओ? क्या पी आर पे एस है? यस एस ले लो। और टी कहाँ पर है सर? क्यू आर। ये टी ले लिया, इतनी बात हो गई। अब जरा देखो और आर टी एस पी इज इक्वल टू किसके इक्वल है? क्या आर टी एस इन्हें मिला दो टी किसके इक्वल हो गया? ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो सिंपली लिख दीजिए गिवन में एंगल पी क्यू आर गिवन है एंड एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर। कितने ही लिखने से जा सकते हैं आप देखो। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? सो दैट आर पी क्यू इज सिमिलर टू आर टी एस। सर ये तो एस की वजह से डबल है। एंगल आर पी क्यू ट्रायंगल आर पी क्यू कॉमन और आर टी एस यह प्रूफ देखिए, ये बहुत आसान प्रूफ है। इसके आगे के छह सवाल बहुत आसान है, सब ऐसे ही हैं, डबल सिमिलरिटी वाले हैं। अब ये देखो क्या दोनों में आर एंगल कॉमन है? यस सो इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस का एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर कॉमन। यस और देखो क्या आर पी क्यू आर टी एस के इक्वल है? देखो तो सीधा सीधा मिल गया आर पी क्यू, ये तो दिया ही है पी। एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, ये गिवन है। तो फिर क्या हो जाएगा? बाई
डबल ए सिमिलर है, डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल आर टी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस। आर टी एस इतनी बात समझ में आ गई? ओके नाउ जस्ट एक सिक्स्थ क्वेश्चन और कर लें लास्ट। एग्जाम्पल सेवेंथ हम आपको देंगे, आप देख लो एग्जाम्पल सेवन। ठीक है।